अच्छा जी अब हम वी आर गोइंग टू डिस्कस दार्डिक सिम्पथैटिक एंड पैरासिम्पथैटिक नर्व्स ठीक है हार्ट को सिम्पथैटिक और पैरसिम्थैटिक नर्व सप्लाई कर रहे हैं पैरासिम्पथैटिक नर्व सप्लाई इज द वेगस नर्व राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व राइट वेगस नर्व एज यू कैन सी इन द डायग्राम इज सप्लाइंग द एसे नोड इज सप्लाइंग द एसे नोट एंड लेफ्ट वेगस नर्व इज सप्लाइंग दी एवीनोड लेफ्ट वेगस नर्व इज सप्लाइंग दिन ठीक हो गया वेगस नर्व जो है ये पैरासिम्पथैटिक सप्लाई है हार्ट की और जो सिम्पथैटिक सप्लाई है उसके बारे में गौर से सुनिएगा सिंपथेटिक नर्व्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलेट नर्व्स एंड दीज एराइज फ्राम द सेगमेंट टी वन टू टी फाइव ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ठीक है थ्रेसिक वन टू थ्रेसिक फाइव ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड from sympathetic preganglionic fibers okay arise sympathetic preganglionic fibers and these go to the cervical ganglia go to the cervical ganglia of sympathetic trunk and from these ganglia arise the postganglionic sympathetic fibers and from these cervical ganglia arise the postganglionic sympathetic fibers and these fibers

कंट्रोल uh, कर रही है ठीक है इट इज़ ऑल्सो कंट्रोलिंग दी रेगुलेशन ऑफ दी हार्ट रेट तो जो मैंने आपको पम्पिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट बताई वो सिम्पथैटिक और पैरसिम्पथैटिक है पैरासिम्पथैटिक मैंने आपको बताया वेगस नर्व है वेगस नर्व राइट वेगस नर्व ऐसे नोट को सप्लाई करी है लेफ्ट वेगस नोट एवी नोट को सप्लाई करी है और जो पैरासिम्पथैटिक सप्लाई है ये बेसिकली कार्डिक नर्व्स हैं और ये सिंपथेटिक गेंगलिया से अरइज़ होती हैं ये पोस्ट गेंगलियनिक फाइबर्स हैं जो एस कार्डिक नर्व राइट एट्रिया सॉरी बोथ एट्रियास बोथ वेंट्रिकल्स एसिनोड एवी नोड एवी बंडल और कॉर्नरी ब्लड वेसल्स को सप्लाई करें ये जो आ, आ, येलो कलर है ये बेसिकली आपकी पैरासिम्थेटिक और सिंपथैटिक नर्व्स हो गए ठीक है अब आप लोगों को पता चल गया कार्डिक नर्व्स के हैं कार्डिक नर्व जो हैं ये सिंपथेटिक चेन से निकलती हैं पोस्ट गेंगलॉनिक फाइबर्स होते हैं और हार्ट को सप्लाई करते हैं अच्छा जी अब ये हार्ट की पंपिंग को कैसे कंट्रोल करें बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है बहुत दफा आया हुआ है ठीक है कि ये कैसे हार्ट की पंपिंग को कंट्रोल करें अच्छा जी इसमें इस तरह है कि पहले हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ द हार्ट बाय सिंपैथेटिक एंड बोथ बाय पैरासिम्पथैटिक एंड हाउ? द अमाउंट ऑफ ब्लड द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प ईच मिनट दैट इज़ कार्डिक आउटपुट कैन बी इंक्रीज मोर देन हंड्रेड परसेंट बाय सिम्पथैटिक स्टमुलेशन बाय कंट्रास्ट द कार्डिक आउटपुट कैन बी डिक्रीज टू ऑलमोस्ट ज़ीरो बाय वेगल स्टमुलेशन कैन बी डिक्रीज बाय वेगल पैरासिमथैटिक स्टमेशन टू जीरो यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्ट रेट कैसे इंक्रीज हो कौन सी नर्वस इंक्रीज करेंगी तो आपने सिंपली कहना है सिम्पथैटिक नर्व्स और अगर ये पूछा जाए कौन सी डिक्रीज़ करेंगी तो आपने कहना है पैरासिम्पथैटिक नर्व्स हार्ट रेट डिक्रीज करते हैं नाउ व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेशन ऑफ द हार्ट बाय द सिंपथैटिक नर्व्स लेट मी एक्सप्लेन इट स्ट्रोंग सिंपथैटिक स्टिमुलेशन कैन इंक्रीज द हार्ट रेट कैन इंक्रीज द हार्ट रेट इन यंग एडल्ट ह्यूमन्स फ्रॉम द नॉर्मल रेट ऑफ सेवेंटी बीट्स पर मिनट अप टू वन एटी टू टू हंड्रेड एंड इवन टू फिफ्टी बीट्स पर मिनट ठीक हो गया अच्छा जी कहना ये चाह रहे हैं कि ये मैं आपको थोड़ा लिख के दिखाऊं सिंपथेटिक स्टिमुलेशन जो है ये हार्ट रेट इनक्रीज़ करती है सेवेंटी बीट से वन एटी से टू हंड्रेड और इवन टू फिफ्टी बीट्स पर मिनट तक भी जा सकता है ठीक है ये सिंपथैटिक स्टिमुलेशन है सिंपथैटिक स्टिमुलेशन है सिम्पथैटिक स्टिमुलेशन जो है इट ऑल्सो इंक्रीज द फोर्स ऑफ हॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन टू एज मच एज डबल द नॉर्मल रेट देयर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प एंड इंक्रीजिंग द इजेक्शन प्रेशर इसलिए अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन दो काम कर रही है एक तो हार्ट रेट भी इंक्रीज़ करिए दूसरा फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रेक्शन भी इंक्रीज़ कर रही है ठीक हो गया इसलिए सिम्पथैटिक स्टिमुलेशन जो है इट ऑफन इंक्रीजेज द मैक्सिमम कार्डिक आउटपुट ऑलमोस्ट टू टू थ्री फोर्स ठीक है सिम्पथैटिक स्टिमुलेशन से कार्डिक आउटपुट टू टू थ्री फोर यानी दो से तीन गुना कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है राइट right? कन्वर्सली इसके ऑपोजिट अगर आप सिंपथैटिक नर्व्स को इनहिबिट करो तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है ठीक है कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है और हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाता है तो ये आपका आ गया सिंपथैटिक स्टिमुलेशन का इफ़ेक्ट अब हम आते हैं पैरा सिंपथैटिक स्टिमुलेशन की तरफ ठीक है पैरा सिम्पथैटिक स्टिमुलेशन की तरफ पैरासिम्पथैटिक स्टिमुलेशन जो है आ, कौन सी नर्व के थ्रू हो रही है वेगस स्टिमुलेशन वेगस नर्व के थ्रू हो रही है ठीक हो गया थोड़ा क्लियर आपको नजर आ रहा है Strong stimulation stimulation of the parasympathetic nerve fibers in the vagus nerve to the heart can stop the heartbeat for a few seconds, then the heart usually escapes and beats at a rate of 20 to 40 beats per minute as long as the parasympathetic stimulation continues. In addition, strong vagal stimulation can decrease the strength of the heart muscle contraction by 20 to 30 percent. It is simple vagus effect. जो है वो सिम्पथैटिक के ऑपोजिट है पहला इफेक्ट क्या है अगर आप पैरासिमथेटिक नर्व्स को स्टिमुलेट करते हो तो हार्ट फ्यू सेकंड्स के लिए बीट करना रुक जाता है लेकिन उसके बाद हार्ट जो है वो ट्वेंटी से 40 बीट्स पर मिनट पे जो है वो पंपिंग स्टार्ट कर देता है और इसको आप वेगल स्केप भी कहते हो बहुत इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है वेगल स्केप तो वेगल स्केप क्या है कि हार्ट जो है वेगस नर्व के इफेक्ट से स्केप कर जाता है बच जाता है यानी बिल्कुल स्टॉप नहीं करता बीट करना ठीक है जब आपने वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया हार्ट कुछ देर के लिए रुका बीट करना लेकिन उसके बाद 20 से 40 बीट्स मिनट पे हार्ट जो है वो स्टिमुलेट करना शुरू कर देता है हार्ट बीट आ जाती है क्योंकि ऐसे नोट की जगह ए वी नोट जो है वो इम्पल्स डिस्चार्ज करना शुरू कर देते हैं ठीक है अच्छा ये एक तो वेगस का हुआ दूसरा वेगस ना क्या करता है फ़ोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन फ़ोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को भी डिक्रीज कर देता है ठीक हो गया अच्छा जी अब ये आपने जो है इसका मेन इफेक्ट आ गया